सॉल्व अंडर रूट 3 प्लस 1 टू द पावर 2x, अंडर रूट 3 माइनस 1 टू द पावर 2x। रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 माइनस 1 ये रेसिप्रोकल भी नहीं है, रेसिप्रोकल रहता एक दूसरे का तो आसान होता। अब जरा चेक करते हैं कि अंडर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर और अंडर रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर ये कितना होता है। तो 2 इंटू रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 8 हो रहा है, और यहाँ भी क्या है 8 टू द पावर x है। तो अगर हम 8 को लिखें स्क्वायर में 2 रूट 2 का स्क्वायर और 2 रूट 2 के स्क्वायर से डिवाइड कर दें, मीन्स रूट 3 प्लस 1 2 रूट 2 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1 टू रूट टू होल स्क्वायर, तो और ये आ गया 1। ऐसा अगर हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माने तो ये साइन थीटा होगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है और इसका वैल्यू 1 से कम है। रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2 जो है 1 से कम है, तो क्योंकि 1.73 और प्लस 1 2.73 और 2 से 2 इंटू 1.14 तो ये उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो आप चेक भी कर सकते हैं 1.732 प्लस 1 कितना 2.73 और 2 इंटू 1.414 तो 2.8 से ज़्यादा, मतलब ये 1 से कम है। तो 1 से कम है तो आप कॉस थीटा मान सकते हैं, और एक कॉस थीटा तो दूसरा साइन थीटा हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटी है, तो मान लेते हैं कि लेट कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2 इज कॉस थीटा, देन अंडर रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2 साइन थीटा। तो अगर इस इक्वेशन को इसके फॉर्मेट में अगर हम बनाएं तो इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे ये 2 रूट 2 का क्या हो गया, 2 रूट 2 का पावर x, 2 रूट 2 का पावर x, और 2 रूट 2 के पावर x से यहाँ पे अंडर रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2 टू दी पावर x और उसका होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर यहाँ पे और टू दी पावर x, और इसको एडजस्ट कर दें अंडर रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू 1। तो ये तो cos थीटा है, तो cos टू दी पावर 2x प्लस sin टू दी पावर 2x इक्वल्स टू 1। और ये तब पॉसिबल है जब x का वैल्यू 1 हो जाए, क्योंकि cos टू दी पावर एन थीटा प्लस साइन टू द पावर एन थीटा इक्वल्स टू 1 तभी पॉसिबल है जब एन 2 होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता है। तो एन इक्वल्स टू 2 के लिए पॉसिबल होता है, मतलब 2x इक्वल्स टू क्या होगा 1, सो 2, तो x इक्वल्स टू 1, तो ये पॉसिबल तभी है जब x क्या होगा 1। तो ओनली वन सॉल्यूशन x का क्या होगा 1, और यही सॉल्यूशन है इसका।